Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लगवानी थी। पहले बताओ जो मैं कहूंगा वो मानोगी? आप तो जान भी मांगेंगे तो हंसते हंसते दे दूंगी। देखिए, अगर आप ये इंटरव्यू मुझसे इसलिए ले रहे हैं ताकि आप मेरा रिश्ता ले सकें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में। What? आपने जो सुना मैंने वही कहा। आप मेरे इंतजार में अपना वक्त बर्बाद मत करें। Excuse me. और भाई, लड़की पसंद की भी तो कैसी, इतनी बदतमीज, इतनी रूड, खुद को समझती क्या है वो? पूछा था सुनैरा से मैंने, उसका बाप एक क्लर्क है। मामा, एक क्लर्क की बेटी और नखरा ऐसा कि जैसे किसी किसी रईस की औलाद हो। And I tell you one more thing, दानियार, खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन एटीट्यूड वाली लड़की मैं बिल्कुल अपनी बहू नहीं बना के रहूंगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद इस घर में मेरी शादी का जिक्र नहीं होगा। मतलब वही जो आपने सुना, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मेहरू से करूंगा। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी इन धमकियों से डर जाएंगे और उस बदतमीज लड़की के घर जाके गिड़गिड़ाएंगे कि प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो? तो सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, तुमसे किसने कहा वहां जाके मिलना समाजत करो? मैं तो जाता हूँ सीधे तरीके से जाएं और रिश्ता मांगे और बस। मतलब कि तुम चाहते हो कि जो इंसल्ट उस लड़की ने हमारी की है उससे डबल हम उसके घर जाके करवाएं? तुम चाहते क्या हो? एटलीस्ट मेरा नहीं तो मम्मी का ही ख्याल कर लो। ऐसा भी क्या इश्का भूत तुम्हारे सर पे सवार हो गया? ठीक है, अब मैं आप लोगों को शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरा फैसला अटल है। दानियाल, तुमने उसकी बात शायद गौर से नहीं सुनी थी। उसने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मीनिंग वो किसी और में इंटरेस्टेड है। जी नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या पता, इन छोटे घरों की लड़कियां ना एक टाइम में तुम जैसे कितने बेवकूफों को फंसा लेती होंगी। आई थिंक यू नीड टू बिहेव नाउ। तुम मेरी भी इंसल्ट कर रही हो और उसकी भी कर रही हो। अगर उसने मुझे फंसाना होता ना तो इनकार ना करती वो। तो फिर अब क्या करें? अब आप लोग उसके घर जाएं और रिश्ता मांगे और बस। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अगर उन्होंने इनकार कर दिया ना मां, तो मैं वहां पर शादी करूंगा जहां पर आप कहेंगे। डन, तो ठीक है, हम रिश्ता ले जाते हैं। ओके मामा, मैं चलती हूँ। क्यों, तुम तो कह रही थी कि तुम यहीं रुकोगी। नहीं मम्मी, मैं बस चलती हूँ। लोग कहते हैं कि भाभियों के आने से भाई बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो भाभी के आने से पहले ही भाई बदला हुआ है। अच्छा, मेरी बात सुनो, चिल करो, अब मेरी शादी का मौका है। अब देखो, इतनी बड़ी बात हुई है, मामा मान गई हैं, कोई छोटी बात है। अब तुम भाई की खुशी में शामिल नहीं होगी, मुँह मीठा नहीं करोगी। थैंक यू मामा, प्लीज स्माइल। Thank you, Mama. I'll get something for you guys. Sweet. Kisi meherbani aake.
तो बस फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं कल सारा इंतजाम कर लूंगा, मेरे घर पर हम निकाह के बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। भाई हमें भी तो पता चले कि अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है। नहीं ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। नहीं नहीं कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। दुआ कोई खास बात नहीं है बस वैसे। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ सुनहरा कैसी लगी थी शादी पे? इवेंट कैसा था सब बताओ ना मुझे। सुनहरा सुनहरा तो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और इवेंट तो इतना शानदार था, इतना जबरदस्त अरेंजमेंट था, डिशेस इतनी ज्यादा। अच्छा, लोग इतने जबरदस्त। अच्छा ठीक है ओके। तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसा फंक्शन। भाई मैंने मान लिया मैंने नहीं देखा। अच्छा वो बताओ उन साहबजादे का क्या हुआ जो तुम्हारे पीछे लगे हुए थे? अरे वो जनाब उनके बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो तो अपनी माँ और बहन को मुझसे मिलवाने के लिए ले आए। देखो भला मैंने तो खरी खरी सुना दी। हैं क्यों बुरी बात है मेहरू? भाई मैंने कौन सा उसको पहले लिफ्ट करवाई थी जो अपने वो घर वालों को मुझसे मिलाने के लिए ले आया। देखो ना उसकी माँ और बहन मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। और तुम्हें नहीं पता इन हाई क्लास लोगों का, ये लोग हम मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझते हैं। क्या बात है मैम आपके फलसफों की। अच्छा ये तो बताओ अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही थी उस वक्त? कोई खास बात नहीं है दुआ, तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? अब बंदा अकेले में हंस भी नहीं सकता, हंसना तो अच्छा होता है ना सेहत के लिए, तो बस वैसे ही मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या दिख रहा है? चाय लाई थी तुम्हारे लिए, ठंडी हो गई। अब ठंडी चाय मुझे पिलाओगी? जाओ जाके इसको गर्म कर। और अगर कोई बिस्किट नमको कुछ पड़ा होगा तो वो भी ले आना। जी 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 मेरी मलका आलिया मैं अभी लाती हूँ। तो फिर क्या कहा अजीजन ने? उसने बताया कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अच्छा खानदान है, माशाल्लाह लड़का कमाता है, अरे अपनी दुकान है उसकी कपड़े की। पढ़ा लिखा कितना? हाँ, ये मेरा बेटा दानियाल है और ये मेरी बेटी लुपना। अपने मम्मी पापा को बोलो कि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। कैसा लगा हमारा घर? हमारा और क्या, अब जो चीज जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच, अब तुम मेरी बीवी बन जाओ। कमाल करते हैं आजी साहब। अरे पढ़ाई को क्या करना है, बस ये होना चाहिए कि लड़का अच्छा कमाता खाता हो। नसरीन बेगम तालीम ही तो सबसे जरूरी चीज है, और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि हमारी बेटी सीएसएस के पेपर्स की तैयारी कर रही है, तो इसलिए जो रिश्ता है वो तालीम में तो उसके बराबर हो। ऐसी बात है तो आपकी बेटी को नहीं मिलने लगा सही जोड़? ना ना ऐसी बात नहीं किया करते, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, तुम फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं हाजी साहब? अरे अभी तो बच्चियों की उम्र है, अच्छे से अच्छा रिश्ता आ रहा है, जब उम्र ना रही ना तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम मुझ पर छोड़ो, मैं खुद अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगा। मामा इतनी भी क्या जल्दी थे रिश्ता लेकर जाने की, वो लड़की भी पता नहीं क्या सोचेगी कि इतनी जल्दी अपनी इंसल्ट भूल के मेरे घर आ गए। बेटा तुम्हें अच्छा भला पता तो है, दानियाल के सर पे जब कोई भूत सवार हो जाता है ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बस अब तो ये दुआ करो कि हम जल्दी से लड़की के घर जाएं, उसके घर वाले इनकार कर दें और रिश्ता खत्म हो जाए, और फिर वादे के मुताबिक दानियाल वही शादी करेगा जहां मैं चाहूंगी। लेकिन मामा अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर? नहीं करेंगे, तुम्हें याद नहीं उस लड़की ने क्या कहा था? याद तो मुझे है बहुत अच्छी तरह।
लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा चुप कर जाओ, दानियाल आ रहा है, कहीं कुछ सुनना ले। बस तुमने यही प्रिटेंड करना है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ भाई तैयार है, चले। नहीं खुश हो, रास्ता आता है उसके घर का। लुबना, उसका एक प्यारा सा अच्छा सा नाम भी है, मेहरुन्नसा कहते हैं उसे। जी अच्छा, मेहरू के घर का रास्ता आता है आपको? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे उसके घर का रास्ता आता है। जुनेरा से लिया होगा ना तुमने उसका एड्रेस, आई मीन मेहरू का एड्रेस? नहीं, एक रात मैंने उसे घर ड्रॉप किया था। रात को कब? देखा मामा, बंटी तो कितनी नेक परवीन है। अच्छा अच्छा, पहले भाई की पूरी बात तो सुन लो। थैंक यू मामा, थैंक यू। एक्चुअली जुनेरा की मेहंदी वाले दिन देर हो गई थी, उसके पास कन्वेंस नहीं थी, रात बहुत हो चुकी थी, सॉर्ट ऑफ शिवरली मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया था। सी, चलो जल्दी करो, एक तो हम बगैर बताए बिन बुलाए मेहमान जा रहे हैं और फिर लेट हो जाए अच्छा नहीं लगता। चले। मुझे तो वैसे इतना ऑकवर्ड लग रहा है इस तरह किसी के घर जाते हुए। माय स्वीट लिटिल सिस्टर, मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती हो तुम? अच्छा भाई चलो, अब चलो चलो। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो साथ ही चलेंगे उनकी तरफ। ठीक है, कोई मसला नहीं, बस आ भी जाओ ना, दिल नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग यू, आई लव यू टू। ठीक है, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक मीटिंग है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। क्या वो मेरी जान, परेशान लग रही हो कुछ? नहीं परेशान तो नहीं हूं। अच्छा, शाम के लिए परमिशन ले ली ना घर से? बहन को बताया था मैंने, लेकिन फिर भी शाम 7 बजे से पहले पहले घर पहुंचना है। उसकी फिक्र मत करो, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अब खुश? हाँ, आप किससे बात कर रहे थे, किसका फोन था? ये एक क्लाइंट था, शाम को मीटिंग के लिए कह रहा था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, क्या बात है, शक हो रहा है? अभी बीवी बनी नहीं और शक पहले शुरू? अरे नहीं, आप पर तो खुद से भी ज्यादा यकीन है। बहुत अच्छी बात, और अगर यकीन नहीं भी है तो करना सीख लो, क्योंकि शक मुझे बिल्कुल पसंद है। लेकिन एक बीवी होने के नाते कि मेरा हक है कि मैं आप पे शक कर सकूं? मेरे आज मैं इतना खुश हूं कि मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है आज। तुम खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूं, लेकिन दिल में एक खौफ सा भी है, कहीं मैं अम्मी और बाबा को अनजाने में दुखी ना कर दूं। कम ऑन मेहरू, तुम एक बालिग लड़की हो, अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हो, शादी कर सकती हो। और फिर मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम हमेशा के लिए इस बात को हमारे पेरेंट्स से राज रखेंगे, बस मैं अपने घर वालों को मना लूं, उसके बाद मैं और तुम मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेंगे। सिंपल, सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जिस तरह आपको लग रहा है। और आपने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया, आपके घर में कौन कौन रहता है? क्या करोगी जान के, बहुत जल्द मैं तुम्हें उन सबसे मिलवाने वाला हूँ, समझी तुम? अब तो खुश हो, बस अब जल्दी से अपने चेहरे पर स्माइल से जा लो, मुझे तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना है।
आओ। कैसा लगा हमारा घर? हमारा और क्या, अब जो चीज जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। अब तुम मेरी बीवी बन जाओगे, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी जान माल हर चीज पर तुम्हारा हक होगा। चलो अब देर ना करो, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चले, आ जाओ आओ। अरे आई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं मिसेस जाहिद। मम्मी पापा हैं घर पे? जी बिल्कुल हैं। तुम मेरू की बहन हो राइट? जी। उन्हीं से मिलना है हमें, अंदर आने का नहीं कहोगे? सॉरी जी जी, प्लीज अंदर आइए आइए। हाँ, ये मेरा बेटा दानियाल है और ये मेरी बेटी रुपना। अपने मम्मी पापा को बोलो कि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ। आप लोग आके प्लीज पहले बैठिए। तो आइए। ये मैं ही हूँ। दुल्हन बनने का सपना हर लड़की का अरमान होता है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं इस तरह दुल्हन बनूंगी? ना कोई रौनक, ना सहेलियां, ना घर वाले, इस तरह चोरी छुपे। जब अम्मा अब्बा को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्होंने तो कितने ख्वाब सजाए होंगे मेरी शादी के, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अब तो। चले आप लोग बैठे, मैं अम्मा पापा को भेजती हूँ। बहन तो बहुत मासूम लग रही है, उस मेहरू के रंग ढंग नहीं नजर आ रहे इसमें। तुम ना प्लीज अपनी कमेंटिंग को ना बंद रखो, यहाँ पर तुम्हारी कोई बात सुन लेगा, रिलैक्स। दानियाल ठीक कह रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल। अरे कौन था बाहर? अमित जी कुछ लोग आए, मैंने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अरे कौन लोग हैं जिन्हें तुम ड्राइंग रूम में बिठाई हो? हैं? मेहरू का पूछ रहे थे, काफी मौजे सी औरत लग रही थी तो अपने बेटे और बेटी के साथ आए तो मैंने बिठा दिया वहाँ पर। उठो। जी जी, वो कह रहे थे कि आप दोनों से ही मिलना है। अरे मेहरू कब तक आएगी, कुछ पता है? वो 7 बजे तक कह रही थी अम्मी। अरे ये लड़की भी ना, अच्छा सुन, घर में जो कुछ है ना बेटा, अच्छे तरीके से बना के ना वो सब उनके सामने ले आना, और हाँ चाय अच्छी बनाना, ठीक है? हाँ मुझे याद है, वो खाला ज़किया ना साथ वाली, उनके बेटे अहमद को कह के जो जो कम है चीजें वो मंगवा लेना। अच्छा मिर्ची, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। हिदायत अब बंद करो, मेरी टोपी ढूंढो, मेहमान आ गए। अरे मैं देती हूँ, यहाँ रखी है मैंने। चलो आई जा, जल्दी से कर ले। अम्मा जाओ। मैं कैसे दोराहे पर आ खड़ी हुई हूँ। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और एक तरफ मेरे माँ बाप। किसी एक की तो कुर्बानी मुझे देना ही पड़ेगी। अम्मा अब्बा को तो मैं मना लूंगी और वो आज ना कल मान ही जाएंगे, लेकिन शाहनवाज, अगर शाहनवाज मुझसे रूठ गए तो? नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ तो उन्होंने मुझे दे दिया है, और क्या बुरा है कि वो मुझे अपना नाम दे रहे हैं, अपनी इज्जत बना रहे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। चलिए। यस अस्सलाम वालेकुम जी। मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ देर हो गई, बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी तो बगैर बताए यूं ही चले आए।
एक्चुअली हम आपसे आपकी बेटी मेहरू के लिए बात करने के लिए आए हैं। जुनैरा की शादी हुई थी ना, बस वहीं पे देखा था, हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि हम उसको अपनी बहू बनाएंगे। सो इसी सिलसिले में आ जाना हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड होके बोले चले जा रही हूँ। अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया ही नहीं। मैं मिसेस जाहिद, जाहिद इंडस्ट्रीज का तो नाम सुना होगा ना आपने। मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत से अपना बिजनेस एम्पायर बनाया और मेरा बेटा दानियाल इस बड़े बिजनेस का इकलौता वारिस है। अब ये मेरी बेटी लुबना, इसके हस्बैंड शाहनवाज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेहरू नजर नहीं आ रही, वो ऑफिस से अभी तक नहीं आई। ओ, जॉब करती है? जी हाँ। दैट्स गुड। आपने फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वैसे तो हमारी फैमिली के बारे में पूरा शहर जानता है, मगर फिर भी आप अगर चाहें तो किसी से भी पता करवा सकते हैं, बाय ऑल मीन्स। लेकिन मैं आज आपका जवाब लेकर ही जाऊंगी। वो असल में ना मेहरू घर पर नहीं है, तो उसकी मर्जी जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको फ़ोन पे बता देंगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज यू विश। चले। माशाल्लाह से आपकी दो बेटियां हैं और बेटियों वालों के लिए फर्ज अदा करना कितना बड़ा बोझ है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो बेटा चलो, हमें नहीं इस घर में शादी करनी, ऐसी लड़की को ब्याहने के लिए आएगा कौन। चले। जरा ठहरिए। मेहरुल मिसाल वल शफीकुद्दीन, 5 लाख रुपए हक मेहर के अवज शाहनवाज वल शाह जमाल के साथ निकाह कबूल है? हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमारा मान रखेगी। हमें आपके बेटे के साथ ये रिश्ता कबूल है। कबूल है। तुम्हारी अम्मी को लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो कि तुमसे छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहरू की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। आप मेरे पेरेंट्स से कब बात करेंगे? बहुत जल्द। और आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? नहीं भाई साहब, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। आप अपनी तसल्ली कर लें, टेक योर टाइम, आराम से आप बता दीजिएगा। मामा जब वो हाँ कर चुके हैं तो इन बातों का क्या मकसद है? दानियाल तुम नहीं जानते हो, रिश्तों के मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। और
हमने मेहरू से तो पूछा ही नहीं उसकी मर्जी के बारे में। बहन, हमने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया, और हमारे यहाँ बेटियाँ माँ बाप के फैसलों से इनकार नहीं करती। अरे दुआ आई, जल्दी आओ बेटा, चाय और मिठाई का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं नहीं, आप इन तकल्लुफात में मत पड़े, मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। हा? अरे नहीं, ऐसे कैसे, अब आपके साथ रिश्ता जुड़ गया हमारा, खाए पिए बगैर थोड़े ही ना जाने देंगे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अब आप मेरी बीबी हैं और आप पर तमाम हुकूक मुझे हासिल हो चुके हैं, इसलिए मैं जितना चाहूं देख सकता हूं। लेकिन मैं आपकी बीवी हूं, इस बात का इल्म तो सिर्फ आपको या मुझे है, बाकी सारी दुनिया को तो कुछ नहीं बताना। इसको तो पता चल जाएगा, कौन सी बड़ी बात। शाहनवाज, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर बाबा या अम्मी को कुछ पता लग गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। कैसी बातें कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करती हो, सब संभाल लूंगा। जरूरत ही क्या थी इस तरह से छुपकर निकाह करने की। महरू, अब हम दोनों एक हैं, हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे मिलकर। हमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। बेटा, आपके वालिद साहब नहीं आए? वो आना था उन्होंने अंकल, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से नहीं आ सके। तो आप लोग आइएगा ना हमारे घर, चक्कर लगाएं। इंशाल्लाह। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा इंशाल्लाह। एक बात बताओ, तुम खुश हो? बहुत। लग तो नहीं रहा। क्या करूं, डर लग रहा है। आप मर्द हैं, आपके पास इतना पैसा है, और मैं, तुम्हारे पास शाहनवाज है, बकलम खुद। बस बातें बना रहे हैं आप। मैं तो कुछ लाया था तुम्हारे लिए, भूल गया था। आओ दिखाता हूँ, कम आओ। शाबाश। भाई नसरीन बेगम, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेहरू के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ जाएगा। तुम्हारे शायद इल्म में नहीं है, बहुत अमीर लोग हैं, यूं समझो कि हमारी बच्ची की तो किस्मत खुल गई। वो सब तो ठीक है हाजी साहब, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा दुआ के बारे में। क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ी अभी घर में बैठी हुई और आपने छोटी का रिश्ता तय कर दिया। अरे ये तो सोचते कि हमारी दुआ के दिल पे क्या गुजरेगी। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत नेक और साबिर बच्ची है, वो अपनी बहन की खुशी में बहुत खुश होगी। लेकिन छोटी की शादी के बाद लोग सौ तरह की बातें करेंगे कि बड़ी में जरूर कोई ना कोई खामी होगी, तभी उसकी शादी नहीं हो पाई। ना शुक्री ना करो नसरीन, अल्लाह दुआ का नसीब भी अच्छा करेगा, मेरी बेटी भी बहुत अच्छे घर में जाएगी। लेकिन कैसे, मेहरू की खूबसूरती देखकर ये बड़े बड़े रिश्ते हमारे दर पे आ गए, और हमारी दुआ, वो तो बेचारी इतनी सादी बच्ची है हमारी। किसने कहा है मेरी दुआ खूबसूरत नहीं, प्यारी नहीं? हम माँ बाप है ना, हमें तो अपनी औलाद अच्छी लगेगी, लेकिन एक बार ये तो सोचें कि दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है, और अब माशी तौर पर भी हो जाएगा। आप एक बार अपने फैसले पर सोच ले, कहीं हम दुआ के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? भई हम कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे, हमारे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं, और तुम्हारी इस मंतक पर मैं इतना अच्छा रिश्ता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। वो लो आ गई, आजा बेटा, आजा आजा आजा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, बाबा के पास।
शाबाश मेरा बच्चा आ गया, यहां मेरे पास बैठ। मेरा बच्चा एक बात सच सच बताएगा अपने बाबा को। जी बाबा, पूछिए। तुम मेहरू के रिश्ते से खुश हो ना? तुम्हारी अम्मी को लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, कि तुमसे छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहरू की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। मैं सत्ते अपने बच्चे से, नसरीन बेगम, आपने हमारी इस सादा बच्ची का जवाब सुना है? कितनी समझदारी की बात की है, मुझ पर गई है ये। बेटा मुझे चाय बना के दे जरा जल्दी से, वहां पी थी वो ठंडी हो गई थी। जी बाबा। ले जनाब, ये देखिए, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी जी बिल्कुल, आपके लिए है। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे कम। शाहनवाज, ये तो बहुत महंगा होगा। ये नेकलेस क्या चीज है? तुम जो भी कहो तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। तुम बीवी हो मेरी अब। शाहनवाज, आप मुझसे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे ना? क्यों, कोई शक है तुम्हें? नहीं, शक तो कोई नहीं, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स से कब बात करेंगे? बहुत जल्द। शाहनवाज, ये बहुत जल्द कब होगा? मेहरू, तुम्हें पता है कि मैं अगले वीक में यूके जा रहा हूं, वहां से वापस आऊंगा तो फिर बात कर लूंगा। और आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? किस सोच में डूब गए हैं, मुझे बताएं ना, आप कब बात करेंगे अपने घर वालों से? कर लूंगा बात, जल्दी किस बात की है? जल्दी कैसे नहीं है, मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि आपके घर में कौन कौन है, मेरा मतलब आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई। मेरी तुम्हें भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। कुछ खाओगी तुम? आप कुछ खिलाएंगे तो जरूर खाऊंगी। हाँ, मैंने तो सोचा था कि तुम कहोगी कि मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ कुछ। क्यों भाई, आपके इस आलिशान घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, और वैसे भी मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कौन खाना पकाता है? वो तो दुआ बनाती है, मेरी बड़ी बहन। दुआ, अच्छा नाम है, वो भी देखने में तुम्हारी तरह क्यूट है। हाँ, लेकिन मेरी तरह तो नहीं है ना, मैं तो बस एक ही सिंगल पीस हूँ, द वन एंड ओनली मेहरू शाहनवाज। यस, मेहरुनिसा शाहनवाज, गुड। मामा, थैंक यू सो मच मामा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया भैया, आप दोनों वहाँ पर चले गए, मैं बहुत खुश हूँ मामा, सीरियसली थैंक यू। ना, खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए दानियाल। व्हाट मामा, अपनी मर्जी से आप वहाँ रिश्ता लेके गई थी ना, अब उन्होंने हाँ कर दिया तो आप कह रही हैं मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, व्हाट इज दिस? यही तो बात है दानियाल। तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। दानियाल, तुम टेंशन मत लो, जो भी करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। देखो दानियाल, तुम मेरे इकलौते भाई हो और मामा के इकलौते बेटे हो, हम यूं ही तो कहीं भी तुम्हारा रिश्ता नहीं कर देंगे ना। तो पहले सोचना चाहिए था ना इस बारे में, उसका बाप एक शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है। तो हम क्या इज्जतदार नहीं है? उससे कहीं ज्यादा इज्जतदार खानदान से ताल्लुक है हमारा, और वो शफीक साहब, उनके पास है ही क्या सिर्फ इज्जत के अलावा।
वैसे मेहरू दुल्हन के रूप में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे पता है। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने घर भी तो जाना है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आपको पता तो है कितना वक्त हो गया है, बाबा भी घर आ गए होंगे, आज तो पक्का मेरी शामत है। और अगर मैं ना जाने दूं तो? आखिर तुम बीवी हो मेरी। शाहनवाज याद रहे कि अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। वो भी हो जाएगी जब तुम कहो। अच्छा जी, तो ये बात है, तो फिर अभी चले मेरे साथ मेरे बाबा के पास, मेरा हाथ मांगने। हाथ मांगने की क्या जरूरत है, अब तो वो खुद तुम्हारा हाथ देंगे मेरे हाथ में। तुम्हें एतराज किस बात पे, पहले ये तो बताओ मुझे, उनके इज्जतदार होने पे या गरीब होने पर? दानियाल बेटा बात समझने की कोशिश करो, उनका इस तरह से अचानक रिश्ते के लिए मान जाना, इट्स वेरी स्ट्रेंज, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वैसे बाय द वे देखो, ये जो मिडिल क्लास के इज्जतदार लोग होते हैं ना, जिन्हें अपनी इज्जत पे बड़ा गरूर होता है, ये इतनी आसानी से अपनी बेटियों का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे देते। डू यू गेट माय पॉइंट? एग्जैक्टली, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो हमारा ही वेट कर रहे हो कि कब हम आए और वो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ सौंप दें। एंड यू व्हाट मामा, उसकी बड़ी बहन की शादी भी नहीं हुई अभी तक और छोटी बहन का रिश्ता तय कर दिया। एंड दैट्स माय कंसर्न, ये चीज तो मुझे परेशान कर रही है। वाओ, आई मीन वाओ मामा, आप इतनी कंजर्वेटिव कब से हो गई? हम उनके घर गए, उन्हें हम पसंद आ गए, उन्होंने हाँ कर दी, बिग डील। देखो दानियाल, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे जैसे अच्छी फैमिली के लोग इस तरह आसानी से किसी को अपनी बहू बना के घर नहीं ले आते। रिश्ता होने से पहले लड़की की फैमिली बैकग्राउंड, हजारों चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके रिश्ता होता है, ऐसे गली मोहल्ले की लड़की तो नहीं उठा के ला सकते। और वैसे भी अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हम पे कौन सा एहसान किया है? हम जैसे इज्जतदार और खानदानी लोग अगर किसी के भी घर जाएंगे तो वो लोग अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। हाँ तो अगर इतने इज्जतदार थे हम तो उधर क्यों गए थे, हमें पहले सोचना चाहिए था ना। पहले सोचे या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा उस लड़की से निकाह तो नहीं हो गया ना, अभी तो सिर्फ बात हुई है। तुमने तो कहा कि मेरे साथ चले, हम लोग चले गए, अब वो इस तरह से ऑल ऑफ अ सडन रिश्ते के लिए मान जाएंगे, हाँ कर देंगे, दिस वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं दानियाल की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। कोई नहीं उठा रहा फोन, जैसे कोई है ही नहीं ऑफिस में। ये कैसे हो सकता है कि ऑफिस में कोई नहीं है, तो फिर मेहरू कहां गई है? आओ आओ, ड्राइवर भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? ड्राइवर है बाहर, बाहर है ड्राइवर। आप मुझे छोड़ाते तो अच्छा होता ना। देर हो रही है, फौरन जाओ, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चल 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 चल।